गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑन स्टडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसका पार्ट वन देख सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेनेशन की गई है, जो आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे 26 से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। सिबराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है और यह 75 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इसी पहाड़ियों पर अवस्थित है। आगे देखेंगे 27 नंबर, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर होगा गोसाई थान। गोसाई थान पर्वत श्रृंखला तिब्बत में नेपाल के सीमा के निकट अवस्थित है, जबकि ये 3 पर्वत श्रृंखला कामेत नंदा देवी त्रिशूल भारत के उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे देखेंगे 28 नंबर, अरावली एवं बिंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही आंसर होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार का उत्तरी सीमा में अरावली पर्वत, दक्षिणी सीमा में बिंध पर्वत एवं पूर्वी सीमा में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? इसका सही आंसर होगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना शक्तिशाली होती है कि यह प्रकाश सहित कुछ भी अपनी ओर खींच लेती है। सर्वप्रथम भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। इस संबंध में इन्हें 1983 ईस्वी में भौतिक में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे देखेंगे 30 नंबर, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे भोर का तारा, शाम का तारा एवं पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर पारिस्थितिकी होने के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह है, जिसका नाम है फोबोस एवं डिमोस। डिमोस सौरमंडल की सबसे छोटा उपग्रह है। आगे देखेंगे 31 नंबर, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर में, बाकी के काला सागर, कैस्पियन सागर, कैरिबियन सागर, ये तीनों सागर में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के कारण इसके आसपास के क्षेत्र काफी प्रकाशित होते हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एटना इटली की ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर है एंडीज। एंडीज दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, जबकि रॉकी उत्तरी अमेरिका की बलित पर्वत है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत का 10 सर्वोच्च चोटी ही विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे देखेंगे 34 नंबर, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा थारू जनजाति।
थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड में निवास करती हैं। इनका निवास क्षेत्र नैनीताल से गोरखपुर के तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं। आगे देखेंगे खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः मेघालय, असम, मिजोरम में पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं एमपी में पाई जाती है। भील जनजाति की बात करें तो यह मुख्यतः गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की जनजाति है। आगे देखेंगे हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा बंगाली। पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगाली और तीसरे नंबर पे तेलुगु है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो यह अमरकंटक से निकलती है, यह गंगा की सहायक नदी है। आगे देखेंगे 37 नंबर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर आगे चलती है और यह ब्यास नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत एवं राकस्ताल झील से है। आगे देखेंगे 38 नंबर, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, इसका सही आंसर होगा गंग नहर। गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा श्री गंग ने करवाया था। यह सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट मिल जाती है, फिरोजपुर के निकट निकलती है सतलज नदी से। आगे देखेंगे, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है, इसका सही आंसर है गुजरात। सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात है, उसके बाद उत्तर, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे हरियाणा है। आगे देखेंगे, गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है एवं ये देश की सबसे लंबी आंतरिक जल मार्ग है, इलाहाबाद से हल्दिया। आगे देखेंगे, किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, इसका सही आंसर होगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं, इसलिए 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देखेंगे, रिंग ऑफ फायर का संबंध है, इसका आंसर होगा सभी। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। विश्व का 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आती है, इसलिए इसका आंसर होगा इसमें से सभी। 43 नंबर, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में विस्तृत है। इसी क्षेत्र में बोत्सवाना एवं नामीबिया दोनों है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। आगे देखेंगे, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यह ONGC के अंतर्गत आता है। 45 नंबर, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका सही आंसर होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। 1969 में भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई थी। 46 नंबर, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इसका सही आंसर होगा दीव। दीव का भौगोलिक क्षेत्र मात्र 42 किलोमीटर स्क्वायर है। यह अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से 13 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है।
47 नंबर, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र भी अवस्थित है एवं राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी हैदराबाद में ही अवस्थित है। आगे देखेंगे 48 नंबर, भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। इसका सही आंसर होगा कोची। पोत प्रांगण वह स्थान होता है जहां जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। यह कोची सबसे बड़ा है, जहां पोत प्रांगण सबसे बड़ा है कोची में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में शबरीमाला स्थित है। शबरीमाला एक मंदिर है जो केरल में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के श्रृंखलाओं पर घने जंगलों के बीच में शबरीमाला मंदिर स्थित है। यह केरल में है। आगे देखेंगे 50 नंबर, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ओसाका। ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। आगे देखेंगे 51, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। इसका सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली पृथ्वी से मात्र 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। आगे देखेंगे 52 नंबर, क्षार गैसों समुद्र की विशेषता है। क्षार गैसों उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें क्षार गैसम नाम की वनस्पति की बहुलता होती है, इस कारण से इसे क्षार गैसों सागर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण क्षार गैसों समुद्र की विशेषता है। आगे देखेंगे 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। इसकी गहराई सबसे ज्यादा है 5,116 मीटर। 5,116 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा चीन सागर। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 55 नंबर, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा जामनगर। जामनगर गुजरात में है। अंकलेश्वर भी गुजरात में है। नून माटी असम का है तथा ट्रांबे महाराष्ट्र की है। आगे देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है। इसका सही आंसर होगा खेतरी। खेतरी राजस्थान में है जो तांबा उद्योग के लिए काफी फेमस है। तारापुर की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। यह परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। टीटीगढ़ का बात करें तो टीटीगढ़ कागज उद्योग से संबंधित है और रांची में इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। आगे देखेंगे 57 नंबर, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में मिश्र धातु निगम लिमिटेड यहाँ है। नई दिल्ली में केंद्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधान केंद्र है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में ही स्थित है। आगे देखेंगे 58 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। इसका सही आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी।
इसके माध्यम से देश के चार प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है। आगे देखेंगे 59 नंबर। इस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की है। इसका सही आंसर होगा रेवाड़ी रोहतक रेलखंड पर। सीएनजी का परिचालन से हरित गैस उत्सर्जन कम करने के लिए तथा डीजल की खपत में कटौती करने के लिए सीएनजी ट्रेन की शुरुआत की जाती है। आगे देखेंगे 60 नंबर। पारादीप का विकास किस बंदरगाह को भार कम करने के लिए किया गया था। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता एवं विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे 61 नंबर। सेत समुद्रम परियोजना में 9 परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। इसका सही आंसर होगा 167 किलोमीटर। सेत समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के बीच मात्र 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों से परिचालन करने योग्य बनाया गया है। आगे देखेंगे 62 नंबर। किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में पाया जाता है। चिली में स्थित अटकामा मरुस्थल क्षेत्र नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। चिली में ही अटकामा मरुस्थल क्षेत्र है। आगे देखेंगे 67 नंबर। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। इसका सही होगा आंसर जर्मनी का। रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसी घाटी में कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जिसे रूर के नाम से जाना जाता है। 64 नंबर। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा एजोला। आगे देखेंगे 65 नंबर। किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है। इसका सही आंसर होगा अक्षांश। विभिन्न अक्षांश के अनुसार जलवायु में पेटियों का विभाजन किया गया है, इसीलिए किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारण करने के लिए अक्षांश इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखेंगे 66 नंबर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अधीन है। दूसरा सबसे बड़ी द्वीप न्यू गिनी, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से टॉरेस जल संधि द्वारा यह न्यू गिनी अलग होती है। मेडागास्कर की बात करें तो यह हिंद महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे 67 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही आंसर होगा जायरे नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसके बाद कांगो नदी है अफ्रीका की। आगे देखेंगे 68 नंबर। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। टिन उत्पादन के लिए विख्यात है भारत का एकमात्र राज्य जो है छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे 69 नंबर। लावा मिट्टियां पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा मालवा का पठार। पश्चिम भारत में काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी कहते हैं। यह मालवा पठार में पाई जाती है। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? इसका सही आंसर है दूधसागर। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा एवं कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है एवं जोग प्रपात शराब्दी नदी पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।